ने दिया। अभी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज आरसीबी की हार के बाद भड़क उठे विराट कोहली, आवेश में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कह डाली ऐसी बात जिसे सुनकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोहली ने ऐसा क्या बयान दे दिया। इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि आपको भी जानना है कि क्या कहा है विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों पहले उथप्पा ने दिया धक्का तो उसके बाद दुबे ने धोया। चेन्नई के खिलाफ आरसीबी ने अपनी जीत की लय खो दी। जी हाँ दोस्तों, आज चेन्नई और आरसीबी के बीच के मुकाबले की कुछ ऐसी ही कहानी रही। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले कत्लेआम बल्लेबाजी करते हुए रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों को 17 बार तारामंडल की राह दिखाई। इस मुकाबले में उथप्पा और शिवम दुबे की आतंक भरी बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि आरसीबी ने पहली पारी में ही चेन्नई के खिलाफ घुटने टेक दिए थे। लेकिन दूसरी पारी में वो तो भला दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ आतंक मचाते हुए एक बार फिर से निदहास ट्रॉफी में किए गए बांग्लादेश के खिलाफ यादों को ताजा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक बार आरसीबी को जीत के करीब तो जरूर ले आए, लेकिन 14 गेंदों में 34 रनों की उनकी आतिशी पारी भी आरसीबी को जीत नहीं दिला पाई। और 217 रनों के जवाब में बैंगलोर ने लड़ाई की तो जरूर, लेकिन 193 रन ही बना पाए। सनसनीखेज हार के बाद विराट कोहली ने धोनी पर भड़कते हुए एक बेहद सनसनीखेज बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने बैंगलोर के हार के बाद कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने जब कप्तानी छोड़ दी है तो वो कप्तानी क्यों करते हैं? उनका बीच मैदान पर कप्तानी करना बेहद गलत है, क्योंकि चेन्नई के कप्तान जडेजा है ना कि महेंद्र सिंह धोनी, और उन्हें ये बात समझनी होगी। वो जडेजा को सुझाव दे सकते हैं लेकिन बीच मैदान में कप्तानी नहीं कर सकते, और ऐसा करना गलत है। वहीं दोस्तों जब उनसे आरसीबी को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में हार जाने से कोई टीम कमजोर नहीं हो जाती है, ये हम टूर्नामेंट में अब बेहतर खेल खेल रहे थे और आगे भी बेहतर खेलते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हम खिताब जरूर अपने नाम करेंगे। दोस्तों आरसीबी की हार के बाद भड़कते हुए विराट ने जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को जिम्मेदार ठहराया है, सच में उनका यह बयान बेहद ही बेतुका है, और अपने इस बयान के बाद वो महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों के निशाने पर आ गए हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है साल 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, आरसीबी या फिर सीएसके? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।